कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। रूप से पूजा अर्चना की शुरुआत हो चुकी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल आईना प्लस में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज मैं झारखंड प्राकृतिक महापर्व कर्मा पूजा की रांची लोअर चुटिया में हूं और आप देख पा रहे हैं मैं इस कर्मा पूजा पंडाल के बीच में हूं और ये सभी बहनें कर्मा पूजा को लेकर आई हुई है। और सबसे खुशी की बात है कि इस कर्मा पूजा का शुभारम्भ झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया जाएगा, जो अभी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। तो बने रहिए आईना प्लस चैनल के साथ में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। तो देखिए हमारे बीच में ये सारे पूजा पंडाल में किस तरह हमारी बहनें लोग कर्मा पूजा को लेकर आई हुई हैं, तो बने रहिए वीडियो के साथ। उपस्थित हमारे ऐतिहासिक मंदिर चुटिया में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का, उपस्थित सभी श्रोताओं का हमारी कमेटी की ओर से, ओल्ड ट्राइबल फैमिली की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे इस कर्मा पूजा महोत्सव का एक ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करने वाले हमारे चीफ गेस्ट और मिसेस हेमंत सोरेन और राज्यसभा सांसद डॉक्टर श्रीमती महुआ मांझी जी को एक बार जोरदार तालियां और बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारा यश समिति गार्जियन स्वरूप उपस्थित हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड हेमंत सर को फिर से मैं बधाई देना चाहता हूं। दोस्तों, कहते हैं जिस तरह मकान बनाने के लिए पाया की जरूरत होती है, पाया मीन्स पिलर, जिस तरह मकान बनाने के लिए पाया की जरूरत होती है, सुंदर दिखने के लिए सुंदर काया की जरूरत होती है, उसी तरह एक सुखद जीवन के लिए बड़े बुजुर्ग हैं। तो आज हम मौजूद हैं लोअर चुटिया में और यहाँ कर्मा पूजा धूमधाम से बहनें लोग मना रही हैं और झारखंड की ये परंपरा है और ये प्राकृतिक पर्व है। तो यहाँ हमारे बीच में कुछ बहनें लोग हैं और इनसे हम जानते हैं कि कर्मा पूजा को क्यों मनाया जाता है। तो दीदी, सबसे पहले आप आईना प्लस में स्वागत है आपका। और क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुन्नी मुंडा है और मैं उपाध्यक्ष हूँ महादेव टोली की। अच्छा, तो कर्मा पूजा क्यों मनाया जाता है? जैसे कि वर्षा ऋतु हम लोग का शुरू होता है, हाँ। तो हम लोग जो धान रोपते हैं वो भादो का एकादशी में हम लोग कर्म गोसाई को लाके अपने अखाड़ा में गाड़ते हैं और उनकी पूजा करते हैं धूमधाम से, ताकि हम लोग का जो खेती कर रहे हैं वो अच्छी तरह से हो सके। और इसमें क्या मान्यता है कि भाई बहन का ऐसा कुछ? इसमें ये मान्यता है कि जो बहनें उपवास करती है अपने भाइयों के लिए, वो उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। जैसे हम लोग रक्षाबंधन मनाते हैं, उसी तरह ये हम लोग का कर्मा पूजा है, जो भाई का लंबी उम्र के लिए हम लोग कामना करते हैं। कहीं पर अपने भाइयों को कोई नुकसान ना हो, कहीं पर एक्सीडेंट ना हो, कहीं पर कुछ भी बड़ा घटना ना हो, उसे बच के रहे, इसीलिए हम लोग ये कर्मा पूजा को धूमधाम से मनाते हैं। अच्छा, एक चीज और बताइएगा, ये झारखंड में ये कर्मा पूजा प्राकृतिक पर्व मशहूर है झारखंड में, और यहाँ पूरे धूमधाम से क्या
सिर्फ मतलब ऐसा माना है कि आदिवासी का पर्व है या सारे लोग मनाते हैं? ये पूरा झारखंड में नहीं, लेकिन विदेशों में भी आदिवासी का ही नहीं बल्कि सभी जाति लोग मनाते हैं। हाँ हाँ। क्योंकि सब कोई प्रकृति का ही पूजा होता है एक शुरू से। हाँ हाँ। और सबको यही प्रकृति में हम लोग को जो श्वास लेते हैं कहाँ से मिलता है, प्रकृति से ही मिलता है हर चीज। हम लोग प्रकृति से ही हम लोग का देन है, इसीलिए हम लोग उसको धूमधाम से मनाते हैं। तो जैसा कि हमने जाना कि प्रकृति का एक पर्व है और इसे सिर्फ आदिवासी ही क्यों, हमारे सारे भाई लोग और हर गांव में इसे मनाना चाहिए। क्योंकि जब खेती करके हम लोग बाहर जब निकलते हैं सावन भादो महीना में, तो ये खेती अच्छी से हो इसलिए कर्मा पूजा पूजा जाता है। और यहाँ जो है कर्मा पूजा में विशेष रूप से एक पौधे का उपयोग किया जाता है, क्या नाम है उनका? ये विशेष पौधा है आपका जो कर्मा कर्म पेड़ है उसको बोलते हैं। अच्छा, कर्म डार। हाँ, कर्म डार। हाँ, हाँ, उसको पूजा करते हैं। और हम लोग उसको पूजा करने के लिए हम लोग जावा जो पांच छह तरह का जौ रहते हैं, जैसे मकई रहता है, उड़द रहता है, गेहूं रहता है, मतलब ऐसा बहुत सारा है, उसमें मिक्स करके हम लोग उसको जौ उठाते हैं, उसी से हम लोग का पूजा होता है। साथ में हम लोग का परंपरा है कि जो हड़िया का हम लोग चावल का हड़िया बनाते हैं। हाँ, हाँ, उनको भी हम लोग अपना देवता को चढ़ाते हैं, क्योंकि वो अन्न से ही हम लोग उसको दे रहे हैं। अच्छा, अच्छा, जो अन्न हम लोग के उपज रहा है वही उसी से हम लोग उसको दे रहे हैं प्रसाद की ओर जैसा। यानी जो भी चीजें हैं प्राकृतिक से जो उपजा हुआ चीजें हैं वही हम ले रहे हैं, दे रहे हैं, उसे हम लोग ले रहे हैं और उनको हम लोग समर्पित भी कर रहे हैं, समर्पित भी कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी मान्यताएं हैं और ये पूरे देश में लागू होना चाहिए, एक झारखंड का एक राज्य स्तरीय पर्व के रूप में इसे माना जाना चाहिए, जैसा कि मैं समझ सकता हूं। और आप भी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या ये कर्मा पूजा क्या हर वर्गों में हर लोगों के बीच में होना चाहिए, क्योंकि ये प्राकृतिक पर्व है, यहाँ ना जाति ना भेदभाव कोई लिंग भेद नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक हर मनुष्य के लिए हर जीव के लिए ज़रूरी है, पर्यावरण हर लोगों के लिए ज़रूरी है। तो इसीलिए ये कर्मा पर्व हर लोगों को मनाना चाहिए और इसमें शामिल होना चाहिए। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जोहार आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज बड़े संख्या में बहने यहाँ व्रत रखते हुए दिन भर अभी पूजा अर्चना पर लगी हुई हैं। हम सब लोग मिलके इस पावन मेला का गवाह बने, उत्साह मनाए, खुशियां बांटे। आज इसी जाते आज के इस त्यौहार के बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और जिस तरीके से आप सब लोग हम सब लोग देख रहे हैं आज इस पूजा को, गली मोहल्ले चौक चौराहे बड़ा छोटा हर जगह कर्म उत्सव का त्यौहार मनाया जा रहा है। लगभग सब हम लोग घर के बूढ़े बुजुर्ग नौजवान छोटे बड़े बच्चे यहाँ उपस्थित हुए हैं और कहीं ना कहीं हम सब लोगों का प्राकृतिक प्रेम इस त्यौहार से छलक रहा है। हम सब लोग यहाँ उपस्थित होकर हमारे पूर्वजों के द्वारा प्राकृतिक से जो जोड़ने का संकल्प हम लोगों ने हमें दिया है उसको और मजबूत करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। ओके सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आशा उम्मीद के साथ पुनः आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा कि आप सब लोग आने वाला समय में भी इसी तरीके से बड़े पैमाने पर मिलजुल कर कर्म उत्सव को और मजबूत बनाएं और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।